बुधवार को प्रदेश में कई जगहों पर चुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हंसराज के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। आरोप है कि हंसराज पर 9 अगस्त 2024 को अश्लील चैट करने का मामला महिला थाना चंबा में दर्ज हुआ, जिसके बाद अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इस मामले में जहां शिमला में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं महिला कांग्रेस ने विधायक हंसराज की गिरफ्तारी की भी बात कही। किसी बेटी के ऊपर कोई बात आती है तो सब महिलाएं हम एकजुट होकर उस बेटी, उस बहन और उसके साथ खड़ी होती है। हमारे आज जिस तरह से उस बहन के साथ अन्याय हुआ है, आज एक चुराहा के विधायक हंसराज जी का आपने जो देखा कि किस तरह से उनके फोन द्वारा जो रची गई जो उनकी टिप्पणियां आपने खुद फेसबुक के माध्यम से, हर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने भी आई हैं, लेकिन आज जो बेटी ने यू टर्न लिया है 9 दिन बाद, हम मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने FIR अभी जो दर्ज हुई है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पुलिस विभाग का जो इसमें अभी कार्रवाई। लेकिन हमारी एक बहन के लिए, एक महिला होने के नाते एक मांग है कि आप हंसराज जी का फोन की जब्ती हो और उसमें उनके फोन की जांच हो, सही मायने में दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा और तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक हंसराज पर एक और शिकायत दर्ज हो गई है, जो कि चुरा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभि शर्मा ने पुलिस थाना तीसा में दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें जान का खतरा है, वहीं हंसराज की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। आज उन्होंने, कल शाम की बात है, 7 बजे के आसपास मुझे उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से डराने की कोशिश की। जो चैट जो है हमने पूरी कंप्लेंट के साथ में माननीय थाना प्रभारी जी के समक्ष रखी है, और साथ में मैंने सिक्योरिटी की मांग की है, क्योंकि जिस तरह का रवैया उनका है चुरा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो चुनावों के समय में हो चाहे आज के आप दौर को देख लें, तो उनसे डर भी लगता है कहीं ना कहीं, और उसी सिक्योरिटी को लेकर के, अपनी जान की, अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर के हमने थाना प्रभारी जी को आज जो है कंप्लेंट सौंपी है, साथ में एक एप्लीकेशन और दिया है कि मुझे सिक्योरिटी भी जो है दी जाए। बहरहाल ये सभी बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी कि किस तरह से इस मामले में कौन कौन जुड़ा हुआ है, और जांच के बाद दूसरे खुलासे हो सकेंगे। अब देखना होगा जांच के बाद प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर और चंबा से अमृतपाल की रिपोर्ट।